बात करेंगे बड़ी खबर के साथ। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज आम जनता को एक बड़ी सौगात दी है। बड़ी सौगात में 167 एम्बुलेंस है जो समर्पित की गई है। 108 एम्बुलेंस जो है वो जनता को सौंपी गई है। इस दौरान एक ऐप भी इनकी मॉनिटरिंग के लिए मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री गहलोत ने आज जनता को ये सौगात दी है। जयपुर में 167 नई 108 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री ने रवाना किया। मौके पर मुख्यमंत्री ने एम्बुलेंस की मॉनिटरिंग के लिए तैयार व्हीकल एप्लीकेशन ऐप को लॉन्च किया है। इसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने में जुटे हैं और उसी प्रक्रिया के तहत आज ये 108 एम्बुलेंस शुरू की गई है। आज 108 आपको मालूम है कि बहुत पॉपुलर योजना है। जब से ये प्रारंभ हुई है तब से लोगों ने राहत महसूस करी है। आज जो ऐप लॉन्च हुआ है उसके माध्यम से हर एम्बुलेंस 108 कहाँ खड़ी है, किस गांव में जा रही है, किस क्षेत्र में जा रही है, उसकी मॉनिटरिंग आराम से हो पाएगी। सबसे बड़ी बात यह कि राजस्थान मेडिकल सर्विसेज के अंदर पूरे देश के अंदर सिरमौर बनता जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है, SECC सोशो इकोनॉमिक सेंसस, तो उसके आधार पर उन्हीं को मिलता खाली उस तक ही है। और हमने जो योजना लागू करी चिरंजीवी, वो पूरे प्रदेशवासियों के लिए है। कोई अमीर हो, गरीब हो, मध्यम क्लास का हो, कोई भी हो, वो अलग बात है। बहुत ज़्यादा गरीब है वो आएगा नहीं, उसकी मर्जी है। परंतु पूरे प्रदेशवासियों के लिए योजना होना और 20% के लिए योजना होना राजनीति का फर्क है। कोविड की तैयारी हमारी पूरी है। हमने जो उस वक्त व्यवस्था करी थी, कैसी भी स्थिति आएगी तो हम तैयार हैं, क्योंकि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत कर दिया राजस्थान का, मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर, CSC PHC सब जगह ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रखी है हमने। और जो कुछ भी इक्विपमेंट चाहिए और एडवांस इक्विपमेंट हमारे यहाँ पहुँच चुके हैं, SMS के अंदर पहुँच चुके हैं। सीता माता का सम्मान पूरा देश करता है, तो जय श्री राम बोल के ये भड़काते लोगों को, वो वहाँ भी बांट दिया, सीता को राम को बांट दिया। हम कहते हैं जय श्री राम बोलो, तो जैसे ही हमने जय श्री राम बोला तो लोगों ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्पॉन्स दिया। तो मैं समझता हूँ लोग समझ जाएंगे, सबको मिला के चलना देश हित के अंदर।